शरद सच का साथ इस वक्त की खबर सिंगरौली मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कलेक्टर के गाइडलाइन से 12वीं की परीक्षा 2 शिफ्टों में हुई संपन्न। सिंगरौली जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरवा पचरेहे में संपन्न हुआ 12वीं की परीक्षा, जिसमें 2 शिफ्ट में परीक्षा ली गई। 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक कलेक्टर गाइडलाइन और कोरोना वैश्विक महामारी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र अध्यक्ष आर के चक्रवर्ती द्वारा बताया गया कि विद्यालय प्रांगण और क्लासरूम को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। साथ ही बच्चों की स्क्रीनिंग कराई गई है और सभी बच्चों को नोज मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा हॉल में बैठाया गया। केंद्र अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए हैं और एक विषय का आज परीक्षा होने के बाद अगली परीक्षा 13 तारीख और 16 तारीख को होगी। केंद्र अध्यक्ष आर के चक्रवर्ती द्वारा बताया गया कि सभी परीक्षाओं में कोरोना वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर और क्लासरूम को सैनिटाइज कराया जाएगा। परीक्षा के बचे हुए शेष पेपरों की हमारे यहाँ जो कोरोना वायरस के चलते व्यवस्था की गई है, थर्मल स्क्रीनिंग मशीन से बच्चों का दूर खड़े करके टेस्ट लिया गया, उनको सैनिटाइजिंग किया गया और एक एक करके बच्चों को कक्षाओं में भेजा गया। अगर बात करें सैनिटाइजिंग का, तो क्या आपके विद्यालय का प्रांगण, क्लासरूम ये सब सैनिटाइज किए गए हैं? हाँ, सब सैनिटाइज। आपके विद्यालय में जितने परीक्षार्थी आए जिनकी स्कैनिंग की गई है, उसमें कोई संक्रमण ऐसा कोई लक्षण पाया गया किसी बच्चों में? कोई बच्चा लक्षण युक्त नहीं पाया गया। सर, सबसे पहले तो हम लोग शासन के निर्देशन इंस्ट्रक्शन के अनुसार जब जो बच्चे आए परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थर्मल स्कैनिंग किया। उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि आप मतलब जो हमने जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको बिल्कुल मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार हमने सोशल किया है। उनको सैनिटाइज पहले बिफोर मतलब सीटिंग क्लास मतलब क्लास को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद बच्चों के हाथ में भी सैनिटाइज लगवा के इस थर्मल करने के बाद उनको क्लास में बिठाया गया। जो भी शासन के निर्देश थे उनको पूरी तरह यहाँ पर पालन किया गया और फर्स्ट हाफ में जो एग्ज़ाम हुई थी वो भी बिल्कुल सुचारू रूप से कंडक्ट की गई और सभी टीचर्स प्लस हमारे जो केंद्राध्यक्ष मैडम है उनका भी पूरा सपोर्ट रहा। देखिए, अगर बात करें जो परीक्षार्थी यहाँ पेपर देने आए हैं उनकी स्कैनिंग की गई है, तो उसमें कोई लक्षण जो है कोरोना का ऐसा लक्षण मिला हो स्कैनिंग में, कुछ ऐसा पाया नहीं? गया नहीं, ऐसा कोई भी लक्षण किसी भी विद्यार्थी में नहीं पाया गया। एक बहुत मतलब अच्छी बात है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन